अदी नॉलेज के मुआज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में हर इंसान अपने शख्सियत की वजह से जाने जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से आज हमको फायदा मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आइंस्टाइन के बारे में। नाज़रीन ग्रामी, आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 जर्मनी में पैदा हुए। दोस्तों, आइंस्टाइन के वालिद असल में एक पंखों वाले सेल्समैन थे और बाद में एतदाल पसंद कामयाबी के साथ एक इलेक्ट्रोकेमिकल बेकरी चलाते थे। नाज़रीन मोहतरम, अजीब बात तो ये है कि आइंस्टाइन 5 साल तक बात नहीं कर सकते थे। आइंस्टाइन 12 साल की उम्र में जब उसने ज्योमेट्री की एक किताब दरियाफ्त की जिसे उसने अपनी मुकद्दस छोटी ज्योमेट्री किताब कहा। नाज़रीन ग्रामी, आइंस्टाइन 12 साल की उम्र में गहरा मजहबी हो गया, यहाँ तक कि उसने खुदा की तारीफ में कई गाने लिखे। ताहम उसने साइंस की किताबें पढ़ने के बाद जो उसके मजहबी अकायद से मुतसादिम थे। नाज़रीन ग्रामी, आइंस्टाइन ने फिर अपने आप से वो सवाल पूछा जो अगले 10 सालों तक इसकी सोच पर हावी रहेगा। आइंस्टाइन की तालीम इनके वालिद की कारोबार में बार बार नाकामियों की वजह से मुतासिर हुई। आइंस्टाइन के वालिद हरमन आइंस्टाइन एक रिश्तेदार के साथ काम करने के लिए मेला चला गया और तवक्को थी कि आइंस्टाइन तालीम मुकम्मल कर लेंगे। नाज़रीन ग्रामी, मगर आइंस्टाइन 6 माह बाद भाग गया। नाज़रीन ग्रामी, बस आज के लिए इतना ही काफी, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे।